यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लोगों को नजर आएगा जो यहाँ की पब्लिक होती है, और उनको लूटने का कोई चांस नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो दलाल है वो लूट नहीं पाएंगे उनको, यही मेरा कथन। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं तहफ्तीज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, हम इस समय खड़े वसई तहसीलदार और भूमि अभिलेख कार्यालय के इस रास्ते के ऊपर। हमारे पीछे भूमि अभिलेख कार्यालय, आप देख सकते हैं यहां पर एक टपरी है, उसको लेकर अभी विवाद शुरू है। और खुद भूमि अभिलेख अधीक्षक जो है, उन्होंने महानगर पालिका के उप अधीक्षक अधीक्षक अतिक्रमण विभाग के खिलाफ महानगर पालिका आयुक्त को एक पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अधीक्षक नितिन वर्माली ने यह टपरी बेकायदेशीर तरीके से यहाँ रखी है। तो इस टपरी को लेकर पूरा विवाद हुआ, हमने इस टपरी की जानकारी निकालनी चाहिए, तो हमें मालूम पड़ा कि ये टपरी सामने जो नोटरी पब्लिक है, यहीं पे गाड़ी में नोटरी का काम करते हैं एडवोकेट राजेश कुमार गणे, उनकी है। और इस बारे में हमने उनसे अभी बात की, तो उनका क्या कुछ कहना है वो आप आगे सुनिए पूरे वीडियो में। और कहीं ना कहीं एक चीज उन्होंने अंत में जो कही वो मैं कहना चाहूंगा कि वसई विरार में इतने सारे बेकायदेशीर काम होते हैं, लेकिन एकाध जगह अगर कोई पब्लिक के लिए कोई ऐसा काम हो कि जहां यहां आसपास में कोई नोटरी पब्लिक नहीं है, और उसमें अगर एक कोई नोटरी पब्लिक यहां बैठने के लिए, उनको जब वो ऐसा भी बता रहे कि उनके पास हाईकोर्ट का जजमेंट है, तो अगर बैठना चाहे तो उनको हटाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ बड़ा खेल हो सकता है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये आरोप खुद एडवोकेट साहब लगा रहे हैं। तो सुनिए क्या कहना है एडवोकेट साहब का, अभी के लिए इतना ही। वकील साहब, इस टपरी को लेकर कुछ विवाद सामने आया है, भूमि अभिलेख अधीक्षक साहब उन्होंने एक पत्र महानगर पालिका को दिया है कि अवैध है, और जहां तक हमारी जानकारी ये टपरी आपकी है, तो क्या कहना है? देखिए, बात ऐसी है कि महाराष्ट्र में नोटरी जो है उनके लिए एक नोटरी जो बहुत बड़ी पोस्ट होती है, ऐसा कानून भी कहता है, और ऐसी फाइंडिंग जो है वो माननीय उच्च न्यायालय ने भी ली है। जब माननीय उच्च न्यायालय के पास एक मुकदमा गया था, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि नोटरी जो है, जो आमतौर पे पब्लिक व्हीकल में या प्राइवेट व्हीकल में कहीं भी बैठ के नोटरी का काम करते हैं, वो कहीं उनकी गरिमा को कम करता है। तो उस गरिमा को, पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए हमें हर नोटरी को एक जगह या फिर एक ऑफिस होना चाहिए, ये एक्ट में भी। तो ऐसे हालात में, क्योंकि ऑफिस के लिए मोस्टली जो नोटरी होते हैं वो कोर्ट के आसपास ही बैठते हैं, और वहाँ पे जगह होती है, हर जगह ऐसी नहीं है, और न्यायालय भी मुहैया नहीं कर सकता, बहुत सारी तकलीफें होती है। लेकिन इस दरमियान कोरोना काल में बहुत सारे नोटरी ने अपने ऑफिस से उनको काम नहीं होने की वजह से बंद करने पड़े। तो माननीय उच्च न्यायालय ने ये निर्णय लिया, उस अपने जजमेंट में कहा है कि जो नोटरी गाड़ी में नोटरी करते हैं, उन्होंने वो बंद कर देना चाहिए, और नोटरी के जो न्यायालय परिसर है उसमें या फिर उसके आजू बाजू में ऐसी जगह पे जहां पे साफ तौर पे लोगों को दिखाई दे के ये नोटरी का ऑफिस है, तो ऐसी जगह पे उन्हें मुफ्त में किसी भी प्रकार का कोई भी मुआवजा न लेते हुए उनको जगह मुहैया करके देनी। तो इसी जजमेंट के आधार को लेके, क्योंकि मैं भी गाड़ी में यहाँ नोटरी करता हूँ, तो इसी जजमेंट को और वहाँ फाइंडिंग जो है उच्च न्यायालय की, उनको मद्देनजर मैंने एक खुद के पैसे से खर्चा करके ये टपरी बनाई और कोर्ट के पास में लगाई। उस हिसाब से मैंने जब वहाँ लगाई, तो मुझे नगर पालिका, महानगर पालिका जो है वसई की, वहाँ के जो अतिक्रमण विभाग के जो सुपरिंटेंडेंट है, अधीक्षक, उनका मुझे फोन आया और वो कहने लगे कि आपका कंप्लेंट आई है और आपको वहां से हटानी पड़ेगी आपकी टपरी। तो मैंने ये उनको बोला कि मैंने अर्जी दी है, और उसमें वो फाइंडिंग जो है माननीय उच्च न्यायालय का पूरा जजमेंट मैंने वहां दिया। तो उन्होंने कहा कि हमने वो पढ़ा ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है वो कि उसमें क्या लिखा है। जब आप एक ऐसे ओहदे पे है कि जहाँ पे सुपरिंटेंडेंट है, आपको पढ़ नहीं सकते, तो ये अजीब सी बात मुझे लगी। उसके बाद में उन्होंने मुझ पर फोन करके दबाव डाला, तो मैंने उस पर बोला कि मैं आके मिलूंगा। और जब हम सहायक जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ महानगर पालिका के जो असिस्टेंट कमिश्नर, उनके पास जो बोलते, उनको इस बात की ख्याल नहीं कि मैंने कोई अर्जी दी, बड़ी ताज्जुब की बात है। तो उन्होंने कहा कि हम हमारे जो लीगल एडवाइजर है उनके पास भेजेंगे, और उसके बाद में ये जो मेरी टपरी वहां से कहीं दूर हटा दी गई। अब सवाल ये है कि
जब कुछ ऐसी बातें हुई तो उन्होंने लाके ये टपरी यहाँ रखी है, जो आप बोल रहे हैं कि कंप्लेन किया है भूमि अभिलेख ने, तो ये मैंने नहीं किया है, ये महानगर पालिका ने किया। भूमि अभिलेख ने कहीं पे भी आपका नाम नहीं लिखा है, उन्होंने नाम लिया है महानगर पालिका के सुप्रिंटेंडेंट, उनका पत्र है, उस पत्र में उन्होंने बकायदा नामजद किया है सुप्रिंटेंडेंट नितिन वर्माली जी को, और कहा कि उन्होंने यहाँ रखा है बेकायदेशीर है। हाँ। तो अब इसके बाद आगे जब बेकायदेशीर कहा जा रहा है तो इस पे आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि देखिए, मेरे पास माननीय उच्च न्यायालय की फाइंडिंग्स है जिसके तहत मैंने ये लगाया, लेकिन आप देखेंगे कि वसई न्यायालय के सामने कितने सारे सरकारी जगह पे अनधिकृत तौर पे दुकानें खड़ी है, इतने ही नहीं तहसील ऑफिस के बाजू में देखिए कोई वड़ा पाव की गाड़ी आपको नजर आएगी, उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं, वो क्योंकि ये इसमें क्या चलता है आप देखेंगे ना, किसको पैसा मिल रहा है, कौन पैसा कमा रहा है, क्यों, इसके पीछे क्या मंशा है, जबकि मुझे हटाया जा रहा है क्यों, तो मुझे तो मेरे पास तो हाईकोर्ट की फाइंडिंग है उसके तहत मैं लगा रहा हूँ, और ये पब्लिक सेवा के लिए है, पब्लिक ऑफिस है, बाकी के लोगों का क्या है जो जेरोक्स लेके बैठे हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे ये नहीं कहना है कि उनको हटाओ, लेकिन मेरे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, मैं तो पब्लिक के लिए बैठ रहा हूँ, और अगर मैं नहीं रहूंगा तो यहाँ पब्लिक को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि नोटरी कहीं नजर नहीं आता और दलालों के लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है, तो सरकार या महानगर पालिका के ये लोग क्या चाहते हैं कि दलालों की ये हाथ पूरे ये हो जाए और लोगों के परेशानी और बढ़े, तो बात यह है कि ये बहुत बड़ा अन्याय है, या तो सभी के साथ ये करो या फिर मैं जो कर रहा हूँ मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने ऐसी अर्जी दी है उस पर आज तक यहाँ के उपायुक्त ने या सहायक आयुक्त ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना मुझे कोई खत आया, और ये ऐसा ही पड़ा है, ये भी मैंने शुरू नहीं किया है क्योंकि यहाँ तकलीफ हो रही है, आज बात मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, तो मेरा काम वहीं चालू है जहाँ है, ये बात ये देखिए, यहाँ ये इनका था, यहाँ उन्होंने खुद इसको हटा दिया और यहाँ पे लगाया, देखिए ये मेरी जगह है, यहाँ पे मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, यहाँ मुश्किल हो जाती है, तो यहाँ लाके रख दिया, जबकि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे शिफ्ट कर दो कहीं ऐसी जगह, तो यहाँ कोई नजर नहीं आता, अगर उस बाजू में मुझे लगा दी जाए तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लोगों को नजर आएगा जो यहाँ की पब्लिक होती है, और उनको लूटने लूटने का कोई चांस नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो दलाल है वो लूट नहीं पाएंगे उनको, यही मेरा कहना है। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।